देवर जी, ये तो आप कचौड़ी में अजवाइन वाली बात कर दिए हैं। अरे भाभी, इसी को तो कहते हैं सरप्राइज। देखिए, तोता राम ने दुकान पे जाने का सरप्राइज दिया ना। हाँ वो। अरे रेडियो वीडियो, तुम्हारी अम्मा कहाँ दिख नहीं रही? मम्मी, मैं ना भाभी के साथ गुजर गई है। लो तितली, आज फिर तुम्हारी चाची मेकअप की पूरी दुकान खाली करके लौटेंगी। अरे चुप रहिए देवर जी, अरे अभी तो हमारी देवरानी के सजने संवरने के दिन है। लेकिन अम्मा, माय डियर जी कब से बाहर गए? अब तक नहीं आए, तो खाने का टाइम भी हो रहा है ना। पर क्या है ना कि वो हमारे साथ रहते रहते उन्होंने भी सरप्राइज देना शुरू कर दिया। आगे। अरे दामा जी, इनको क्या? दामा जी, अरे काहे गुस्से में टमटमा रहे, क्या हुआ? नहीं नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं। दामाद जी, हम आपकी सास हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं आपको। हमेशा मेथी के साग की तरह खिले रहने वाला आपका चेहरा आज मूली के पत्ते की तरह लटक काहे रहा है? बताइए। हाँ माय डियर जी, बताइए ना क्या हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दामाद जी, आप मुंह हाथ धो लो, तितली बेटा खाना लगा। नहीं नहीं मदर इन लॉ, हमें खाना नहीं खाना है। खाना नहीं खाना? आज तो हमने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है माय डियर जी। हमने कह दिया ना एक बार कि हमें भूख नहीं है तो भूख नहीं है। क्या हुआ, बिना कुछ बताए चले गए? रामदुलारी, हम क्या कह रहे हैं, कोई बात तो है जरूर। और हस्बैंड जी, ये देखिए ना, ये वाले झुमके। अरे वाह, देखिए ना कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। और ये देखिए हस्बैंड जी, कितनी सारी नेल पॉलिश। अरे आपको पता है, एक बार ना कटरा में बुआ जी अपने लिए नेल पॉलिश ले आई थी, तो हमने क्या किया मालूम, हमने ना भैंसिया के पैर में लगा दी। हाय रब, वैसे सुंदर से याद आया है कि हम भी सुंदर और समझदार है ये है। नहीं नहीं, हाय रब। अरे चाची जी पूरा सुनिए, हम कह रहे हैं कि आप सुंदर नहीं है बल्कि अति सुंदर है। हाय गजब, सही। ए बहुरिया, तुम हमको जमीन में गाड़ोगी, हमको बहुत बड़ा वाला शर्म ना आएगा। क्या करें? मैंने जी, हमें खाना लगा दीजिए, हम खाना खा के दुकान पे चले जाएंगे। हाँ हाँ, अभी फिट फटांग लगा देते। पापा जी, अम्मा, फूफा जी, क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अम्मा क्या हुआ, कोई गड़बड़ेशन तो नहीं ना हो गई है? गड़बड़ेशन तो हो गई है बहुरिया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि हुई क्या है। हाय गजब, ए रेडियो पापा, आप कहीं किसी को सरप्राइज तो नहीं ना दे दिए हो? अरे सरप्राइज हम नहीं दे रहे हैं, सरप्राइज तो दे रहे हैं दामाद जी, हम सबको। जीजा जी को क्या हुआ? अरे बेटा, यही तो हमें पता नहीं कि तुम्हारे जीजा जी को आखिर क्या हुआ, क्यों नाराज हैं, क्यों खाना नहीं खा रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। कुछ कीजिए ना, हम तो बहुत ही चिंतित हैं लल्ला। बेटा, जहाँ तुम इतने जिम्मेदार हो गए हो, जिम्मेदारी खुद निभाने लग गए हो, वहीं एक जिम्मेदारी और दी जाती है बेटा तुम्हें। तुम जाओ और जल्दी से पता लगाओ कि तुम्हारे जीजा जी को आखिर हुआ क्या है, और ये तुम्हें पता लगा सकते हो बेटा। परशुराम सही कह रहे हैं बेटा, हम सब ने तो कोशिश कर ली, अब तुम ही पता लगाओ कि किस बात से नाराज हैं और खाना क्यों नहीं खा रहे। हाँ तो भैया कुछ कीजिए जी, हम पता करें। हाँ, अरे हाँ हस्बैंड जी, आप और नहीं तो का हम। और देखिए वैसे भी जीजा साले का तो वैसा ही संबंध होता है जैसा की चोली दामन और भादो सावन, और हमको आप पे फुल विश्वास है, फुल गारंटी लेके हम कहते हैं, अगर आप जाके उनसे बात करेंगे ना, वो जरूर आपको बता दे। जाइए। मैंने जी, लेकिन हस्बैंड जी बिल्कुल छाती फुला के पृथ्वीराज चौहान की तरह एकदम कॉन्फिडेंस से जाइए, जाइए। ठीक है, हम पता करके आते हैं। जीजा जी, कौन है वो? कौन कौन है जिससे आप नाराज हैं? हम किससे नाराज हैं? जिसने आपको नाराज किया। किसने हमें नाराज किया? जिसका आप नाम नहीं बता रहे हैं। हम किसका नाम नहीं बता रहे? जीजा जी देखिए, हमें सब पता है
और हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम आपसे पता करें कि किसने क्या गलती की, आपको क्या कह दिया कि आप नाराज हैं और खाना पीना छोड़ दिए। चलिए खाना खा लीजिए। खाना तो वो खाते हैं। कौन? वही जिनको होती है। क्या भूख? भूख तो है। किसे? आपको जीजा जी। किसने कहा कि हमें भूख लगी? अरे आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है आपको भूख लगी। चलिए खाना खा लीजिए और फिर हमें बताइए कि किसने आपको क्या कह दिया कि आप नाराज हो गए और खाना पीना छोड़ दिए। हमने कह देना साले साहब, हमें नहीं खाना। जीजा जी, खाना तो आपको खाना पड़ेगा और बात क्या है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आखिर रिलेशनशिप भी तो कोई चीज होती है। ये तो हमारी लाइन थी। तो हम आपके साले नहीं है और आप हमारे जीजा? साले साहब, हमने आपको कह दिया ना कि हमें भूख नहीं लगी तो हमें भूख नहीं लगी, हमें खाना नहीं खाना तो हमें खाना नहीं खाना। प्लीज लीव मी अलोन, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। यू कैन गो प्लीज। लेकिन जीजा जी, हमें लगता है हमें इस घर से बाहर कहीं चले जाना चाहिए। अरे नहीं जीजा जी, आप कहीं नहीं जाइए, हम ही चले जाते हैं। जीजा जी प्लीज। सॉरी साले साहब। अरे भाई तोता, ये कितना से तुम्हें काम दिया वो भी तुमसे नहीं होता है। वैसे हमने पूछने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने बताया ही नहीं। भाई तो हमको मालूम ही था, हमको तो पता ही था कि इतनी आसानी से वो बताने वाले नहीं है, इसलिए तुमको भेजा था कि भाई तुमसे पटती है तुमको बता देंगे, लेकिन तुम होगे कुछ पता ही नहीं लगा पाए। छोड़ो परशु। माय डियर जी, देखिए ना आपकी मनपसंद सब्जी, दाल चावल रोटी सब चीख चीख के कह रहे हैं कि आज तो हमें आईएएस लेवल की तरह खाया जाएगा। हमें भूख नहीं है। माय डियर जी, यही बात आप हमारी आंखों में आंखें डाल के कहिए तो जरा। देखो हम, हमें पता है माय डियर जी, आप जैसा मस्त मौला आईएएस लेवल का आदमी ऐसे बिना किसी बात पे उदास होके नहीं बैठ सकता, और खाना छोड़ दे वो भी आप, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बताइए ना माय डियर जी, हमारा दिल बैठा जा रहा है आपको हमारी कसम, बताइए। देखिए जब आपने हमें कसम दी तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप भी कोई चीज होती है। जब हम मंगल नाई की दुकान से आ रहे थे तब ये बताएंगे कि आईएएस कैसे बनना है, जो खुद नहीं बन पाए आईएएस। हम तो कह रहे हैं गुरु, वो आईएएस तो क्या, जिंदगी में आईएएस का आई भी नहीं निकाल पाएंगे। क्या कुल्लड़ भैया ने ऐसा कहा? अगर वो हमारे साले साहब के दोस्त नहीं होते तो हम उनको एकदम आईएएस लेवल से समझाते। अब रिलेशनशिप भी कोई चीज होती है, इसलिए हम एकदम चुप हो गए। देखिए माय डियर जी, कुल्लड़ भैया ने जो भी कहा एकदम गलत कहा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की हम आईएएस, क्या आईएएस के आई भी नहीं बन पाएंगे, जबकि सारा का सारा इंडिया जानता है 15 डेज अगर हम फोकस कर ले तो आईपीएस निकाल ले, और 20 डेज अगर हम कंसंट्रेट कर ले तो आईएएस निकाल ले। किसी को पता हो ना हो माय डियर जी, हमें पता है कि आप आईएएस जरूर बनेंगे। तुम्हें कसम है ये बात किसी से मत कहना। मेरा भाभी। हाँ? अरे वीडियो क्या कर रही हो? देखिए इसमें एक न्यू गेम है। गेम? अरे गेम का नाम सुनते ही हम बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। फोन पे आजकल गेम आने लगा बहुत अच्छी बात है। अरे इसमें हम तुम्हें हरा देंगे। गलती से ही काट। ये तुम, अम्मा अम्मा जल्दी आइए ना। क्या बात है बेटा? ये देखिए जरा, लड़ भैया ने ऐसा कहा।
बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। अगर वो हमारे साले साहब के दोस्त नहीं होते तो हम उनको एकदम आईएएस लेवल से समझाते। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की हम आईएएस क्या, आईएएस के आई भी नहीं बन पाएंगे। कुल्लड़ भैया की बात का बुरा मान के बैठे हैं जीजाजी। हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हर साल जीजाजी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा में बैठते का ही नहीं। मैना भाभी, वैसे हम बता दे कि हमारे माय डियर जी 15 दिन फोकस कर ले ना तो आईपीएस निकाल ले, और 20 दिन कंसंट्रेट कर ले तो आईएएस निकाल ले। हाँ। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते और इसीलिए परीक्षा में बैठ नहीं पाते। और परीक्षा में नहीं बैठते इसलिए आज तक आईएएस नहीं बन पाए। अब वक्त आ गया है कि जीजाजी परीक्षा में भी बैठे और आईएएस भी बन के दिखाए। सच? हुल्लड़, तुमने सच में मचा दिया हुल्लड़। अरे अरे क्या हुआ तोताराम, हैं? दुकान में बैठने लगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि इतना बड़ा भोकाल दिखाओगे कि अपने दोस्तों यारों लंगोटियों को भूल जाओगे यार, हैं? अरे हम भी तो दुकान में बैठते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह थोड़ी गायब हो गए, हैं? हमें तुमसे कुछ बात करनी है कुल्लड़। क्या बात है तोताराम, इतने उखड़े फिर दुखड़े टाइप के काहे लग रहे हो? उखड़े हैं क्योंकि दुखड़ा है। ओ तभी उतरा हुआ मुखड़ा है। कुल्लड़ हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद? अरे यार कैसी उम्मीद है यार, अपना हैंडपंप थोड़ा जल्दी चलाओ और बताओ हमें। तुम हमारे दोस्त हो ना? अरे यार इसमें कोई शक है क्या यार, है? शक नहीं है, यकीन है। लेकिन इस बात का यकीन नहीं होता कि तुमने जो किया वैसा किया होगा। हमने ऐसा क्या किया यार, तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। अरे बताओ वरना हमें कुल्लड़ मचा देंगे हुल्लड़। हाँ कुल्लड़ तो तुम मचा चुके हो, और वो भी हमारे पूरे परिवार में। अरे यार तोताराम ये क्या कह रहे हो यार, क्या तुम्हारा परिवार हमारा परिवार नहीं है? अब वो तुम्हारा परिवार हो गया। अरे यार वो भी तो हमारा परिवार है, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को तकलीफ हो। तकलीफ तो हमें हुई है सबसे ज्यादा, क्योंकि उस तकलीफ का जिम्मेदार हमारा दोस्त है। अरे यार ऐसा है तोताराम तिवारी, हमारे दिमाग में चल रही आंधी और उठ रहा है तूफान, इससे पहले कि हम सोच सोच के ना सुनामी हो जाए, तुम बताओ बात क्या है यार? जीजा जी ने खाना पीना छोड़ दिया। अरे यार इसमें हमारा क्या लेना देना है यार? तुम्हारा लेना देना है कुल्लड़, क्योंकि क्या तुमने ऐसा नहीं कहा कि जीजा जी देखना आईएएस के आई भी नहीं बन पाएंगे? हम तो कह रहे हैं गुरु वो आईएएस तो क्या, जिंदगी में आईएएस का आई भी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ कहा तो जीजा जी ने तुम्हारी बात सुन ली, वो नाराज हो गए और खाना पीना छोड़ दिया, और हम तुमसे बहुत नाराज हैं क्योंकि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे सुनो तो यार, अरे यार हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते यार। अम्मा, पिताजी, फूफा जी, क्या हुआ बहुरिया, काहे पत्ता गोभी की तरह हल्ला काट रही हो? हल्ला नहीं अम्मा, मोहल्ला, और मोहल्ला का अरे जिला, प्रदेश, पूरा देश, पूरा देश अब तो तैयारी कर ले। मेकअप करने की तैयारी? अरे मेकअप की नहीं, सलाम करने की तैयारी। अरे देश को एक बहुत बड़ा नया आईएएस मिलने वाला है, और उस आईएएस का नाम तो बुझो। कौन? आईएएस प्रिंस कुमार मिश्रा। सरप्राइज? ओ बहुरी जो कहना खुल के कहो, जल्दी बताओ क्या बात है। अरे पिताजी अब बोलने का नहीं बल्कि दिखाने का टाइम आ गया है। हाँ तो दिखाओ ना बेटा, जो भी दिखाना है जल्दी दिखाओ, अब पहेलियाँ कहे बुझा रही। देखिए और बताइए ई का है क्या है? क्या है? का है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड? कौन बीमार हो गया बहुरिया? अरे एडमिट कार्ड अस्पताल में भर्ती होने का नहीं बल्कि परीक्षा में, एग्जामिनेशन में बैठने का एडमिट कार्ड, वो भी आईएएस की परीक्षा। मतलब हमारे माय डियर जी का आईएएस लेवल का एडमिट कार्ड? हाँ
हाँ तितली, तुम्हारे माई डियर जी का IAS का एडमिट कार्ड परीक्षा का, अब देखना जीजा जी एग्जाम में भी बैठेंगे और IAS बन के भी दिखाएंगे। दामाद जी, अरे भाई वहाँ क्यों खड़े हैं, इधर आइए, देखिए तिवारी सदन की बहुरिया ने क्या कर दिखाया है। अरे भाई ये जाके आपके लिए परीक्षा का एडमिट कार्ड ले आई है, आप फटाफट जो है परीक्षा दीजिए, एग्जाम पास कीजिए, IAS बनिए और हम सबका नाम रोशन कीजिए। लेकिन ये होगा कैसे जीजा जी, पढ़ने से होगा ना? हाँ, आई मीन टू से दैट कि आप लोग को तो पता है 15 डेज अगर हम फोकस कर ले तो IPS निकाल लें और 20 डेज अगर हम कंसंट्रेट कर ले तो IAS निकाल लें। लेकिन बात यह है कि IAS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने में अभी सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं ना, तो कंसंट्रेट कैसे होगा? तो इसमें क्या है जीजा जी, 20 दिन का कंसंट्रेशन आप 10 दिन में कर लीजिए ना, और हमको भरोसा है अगर आप जी जान से पढ़ेंगे, रात रात भर आंखों में तेल डाल के पढ़ाई करेंगे तो आप ये काम कर लेंगे जीजा जी। हाँ, भी हस्बैंड जी को बता के आते हैं। मर गए, लगता है इस बार एग्जाम देना ही पड़ेगा, इस साले साहब आपकी बीवी ने तो हमें फंसा ही दिया है। अभी तक रूठे हो? मानोगे नहीं, भाई हैं यार हम तुम्हारे, देखो यार तोता, जब से तुम हमसे रूठे हो ना, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता यार। अब कह तो दिया यार, गलती हो गई, माफ कर दो। अब क्या रुला के मानोगे? कुल्लड़ तुम देख नहीं रहे, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पढ़ने दो, जाओ यहाँ से। ठीक है दोस्त, हम भी देखते हैं तुम्हारा गुस्सा बड़ा है या हमारी दोस्ती, तो फिर हम चलते हैं फिर। ठीक है, तोता भैया जी, हमें वो भालू देना। हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, मैना जी, हस्बैंड जी, अभी शर्माने का टाइम नहीं ना है, देखिए हम क्या लाए। क्या? चीजा जी का एडमिट कार्ड IAS की परीक्षा में बैठने का। हाँ, हाँ? तोता भैया हमें विलंब हो रहा है, पहले वो भालू दे दो ना जी। अरे हम देते हैं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन मैंने जी, हस्बैंड जी, आपको पता नहीं हमारे बांदा वाले फूफा जी है ना, जिनकी डिग्गी चौराहे पे दुकान है, अरे जो पल्टन बाजार में बैठते हैं। हाँ, संडे के संडे ना हम ही जाके उनकी दुकान पे बैठ जाते थे और हम ही सारा सामान बेचते थे। अरे हस्बैंड जी, आप खाली किताब में मुंह डाल के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब भी आप आंखें गोल 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 करके अपना सा गोल मुंह लेके बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, एकदम बाबू लगते हैं आप, खुद ही अपनी खिलौनों की दुकान का गुड्डा लगते हैं। थैंक यू। ओहो, आप भी खड़े खड़े मियां बीवी का प्रेम प्रसंग सुन रहे हैं, ये नहीं कि बता दें कि क्या चाहिए। वो हरा वाला भालू। अरे हरा वाला भालू, ये तो हमारा भी फेवरेट है, ये लीजिए और फटाफट पैसे निकालिए। कितने हुए? 800 रुपए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 100 रुपया, और आज हमारी बिटिया का जन्मदिन भी है। हम हमारी बिटिया से वादा किए थे कि आज उन्हें उपहार में ये भालू जरूर देंगे। अरे तो 100 ही रुपए का तो है ये भालू। सच में? हाँ, 100 रुपए का है, फटाफट पैसे निकालिए और अपनी बिटिया को कहिएगा कि मैना दीदी ने कहा है हैप्पी बर्थडे, और एक तो पप्पी भी ले लीजिएगा हमारी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। अरे लेकिन मैना जी, ये 150 रुपए का था। हस्बैंड जी, किसी बच्ची के खुशी से ज्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए ना कोई उपहार। देखिए उसका आज जन्मदिन है और उसके पिताजी के पास पूरे पैसे नहीं है, और अगर उसको अपने ही जन्मदिन पर उसका पसंदीदा उपहार नहीं मिलेगा तो मुंह लटक जाएगा ना उसका। नहीं हस्बैंड जी, छोटी सी बच्ची का दिल तोड़ने जैसा भारी पाप हम तो अपने सर नहीं ले सकते। आप काहे इतना चिंतित कौतूहल में हो रहे हैं? अरे आपके लिए तो हमारे पास गुड न्यूज है। हमने आज कड़ी कड़ी बना रहे, कड़ी, वो भी तड़का मार के मिर्ची का झटपट। जल्दी से घर आ जाएगा। क्या बताएं मैंने जी, आपने क्या किया, आज हमारा पहला दिन दुकान पे,
जिम्मेदारी था और 150 रुपए की गुड़िया 100 रुपए में दे दी, 120 रुपए तो खरीदी थी। अब बही खाता में तो हमें सच सच लिखना पड़ेगा, पापा जी को पता लगेगा तो हमारी तो बैंड ही बच जाएगी एकदम। उड़ गए तोते। बात आके वहीं पर टिकी है, मिस्टर तोता की किस्मत में देखो देखो मैना लिखी है, मिस्टर तोता की किस्मत में देखो देखो मैना लिखी है।